उस वेद शास्त्र दे पढ़न दा कोई फायदा नहीं। जे वेद शास्त्र पढ़ के उना दे गुण उना दे विच जेड़िया रहितां ने जो उना दे सूल ने असी उना दे सूलां ते चलांगे तां फिर सानू फायदा है। जे नहीं असी उना दे सूलां ते चल सकते तां फिर सानू कोई फायदा नहीं। सारी जिंदगी पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। हाँ जी, पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाई बोध चतरता कामनाया वे अमर आलमारे पसताई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, बुद्ध चतुरता कम नहीं आ। असी सारे लोग अकल नाल उस परमात्मा नूं मिलना चाहते हैं, लेकिन अकल नाल आज तक कोई परमात्मा नूं मिल नहीं सकिया ते ना ही मिल सकेगा। जब तक असी अपनी अकल नूं छड़ के मुर्शद दी अकल नहीं लैंदे तो असी उसनूं मिल नहीं सकते। सानूं एक कांटा बदलना पैंदा। जे असी अपनी अकल नाल कहिए कि असी परमात्मा नूं मिल जाइए तो मिलना बहुत औखा है। ना कोई अज तक अकल नाल मिलिया है ते ना ही मिल सके। पिछले इतिहास तुसी पढ़ो, जिन्हां 12 साल पानी ढोया उन्हें अपनी अकल की, कुड़म कुड़म दा पानी लिया के उन्हें शनान कराए, बिरद बस्ता 6 मील जाना 6 मील आना, 12 मील सफर रोज का करना और बिरद वास्ता की अपनी अकल, उन्हें मुर्शद की अकल मानी। आखिर एक दिन कामयाब हो गए। जिन्हों के दरबार में तुसी बैठे उन्हें मुर्शद की अकल मानी और दिन रात सेवा भी की, बंदगी भी की, आटा लून मर्चा सब कुछ मिला के पिछे दाल पा देनी, उन्हू गर्म करके खा लेना, ते बालन भी दरिया के बिचों गोहे चुन के उन्हें लंगर चुनी वरत्या कुछ और सेवा जिहड़ी कीती। एक एक दाना कहिंदे सी जदों देग विच दाने बाहर पैंदे सी, असी एक एक दाना चुक के बिच पा देंदे रहे हां कि संगत दा खून है, ये जाया नहीं जाना चाहिए। सेवा भी मनोतनो की, मुर्शद का हुक्म मन्या, फिर उन्होंने पैदा होया। 3 दिन ते 3 रात समाधि, अंदरों जदों सफाई हुई आखिर सुरत ने जाना ही जाना सी। सुरत दे रस्ते अगे कई रुकावटा ने कि जी अगे सुरत साड़ी नहीं जा सकती, दीवारा लगिया ने, कोई किसी की मान की दीवार लगी, किसी के मोह की दीवार लगी, किसी की कोई ना कोई खाश अगे दीवार लगी है, वो साड़ी सुरत अगे जाती नहीं। जिन्होंने इन्हें दीवारा गिरा लिया खत्म कर लिया, उन्हां दी सुरत दा टिकाणा ही उपर हैगा, थले रह नहीं सकते। जिस तरह किसी परिंदे नूं तुसीं पिंजरे चों कढ दिओ ते उह परिंदा पिंजरे दे लागे नहीं बैठदा, उड़ के दरख्तां ते चला जाएगा, क्योंकि पिंजरा उहदा घर नहीं है। इस वास्ते जिन्हां जिन्हां फकीरां ने मुर्शद दा हुक्म मन्निया और हुक्म के मुताबिक कमाई की, उन्हां दी अकल लई अपनी अकल नहीं की।
स्वामी जो कुछ बाणी दे विच फरमा रहे ठीक फरमा रहे कि अकल और चतुराई ये किसी कम नहीं आएगी साड़ी। हाँ जी, बुद्ध चतुरता काम नया आलम रे पसताई और अमल का दखल नहीं है अमल शब्द लोलाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे कि भाई और किसे अमल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शब्द अमल चाहिए। झूठा मत मोल ना पीजियो उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये झूठे अमल जेड़े है उतर जाते हैं, जेड़ा नाम दा अमल है वो नहीं उतरता, वो दिन रात ही चढ़िया रहिंदा है। असी झूठे अमल पींदे हाँ वो फना हो जाते हैं, मुक जाते हैं, फिर परेशानियां पै जांदियां। फकीर सच्चा अमल जेड़ा है उसनू पींदे है उसनू खांदे है। हाँ जी, और अमल का दाखल नहीं है अमल शब्द लोलाई। गुरु मिले जब तुनका पे दी सेख बेरा तर आई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे कि जब सतगुर शब्द पेती कोई मिल जाता है तो सिख नू भी चाहिए कि प्यार दे नाल आवे और प्यार नाल आके उन्हां दी शरण विच उन्हां तों फायदा लै। उहदे विच भी बिरिया चाहिए, सिख विच भी बिरिया चाहिए। जे सिख नूं सतगुर की जरूरत है तो सतगुर नूं भी सिख की जरूरत है। सतगुर ही कहिंदा कोई सिख होवे जिहड़ा मेरे ख्वाहिशां दीआं जां मेरे मन दीआं गल्लां सुने। बुल्ले शाह जदों घरों निकल के तुरिया सी यही ख्वाहिश मन दे विच सी कोई मालक दा प्यारा कोई बख्शिया होया मिल जाए असी बख्शा लईए। एक रस्ते विच अंब सी उत्थे बैठ गया, उहदी छामा बैठ गया, उधरों शाह नैत उहनां दीआं खेती ला गए सी ते उह भी रंबी हथ च फड़ी ते उह भी आ गया उसे अंब थले बैठ गया। साई बोले शाह ने टीम मारी अंब एक कच्चा ते एक पक्का डिगा। पक्का जड़ा सी चुक लिया ते कच्चे नूं नहीं छेड़िया ते शाह नैत ने देखो फकीरां दे कितने उच्चे विचार होंदे है। ओ भाई तू पक्का ते चुक लिया ए जड़ा कच्चा इहदा घर छुड़ा दिता इहदी कीमत कित्थे पैगी हुण इहनू कौन लएगा। इहदा घर भी छुड़ा दिता तू इहदी कोई कीमत भी नहीं रही इहनू इहदे घर जित जिथों इह झाड़िया उत्थे लगा दे। साई बुल्ले शाह ने किया कि ये तो कच्चे पक्के डिगदे ही रहिंदे है इहनां दे नाल ते कोई ऐसी गल नहीं कि मैं तो नहीं ला सकता जे तेरे च ताकत है तू ला दे। देखिया कि रंबी जी फड़ी आ रहा है सब्जियां गुड़दा उस वक्त उंगल कीती इदां शाह नैद नाम बुढ़ के उसे डाणी नाल लग गया ते चुप चाप रंबी फड़ी ते अपने खेतां जा गया।
फिर कोई गल नहीं की। साईं बोले शाह ने सोचा कि मैं घरों तुरिया कि कोई बख्शे होया परमात्मा का मिल पाए तो मैं भी बख्शा लवा, पर इहदे नालों वड्डा कौन है जिसने एक धरती दे ते अंब पिया ते उपर लगा दिता उस डांडी दे नाल, ये कितनी शक्ति है इन्हां दे विच। बुले शाह मगर मगर तुर पिया। शाह नैत ने उसनों सबक दे दिता। पनीरी पुटदा सी, पनीरी पुटद्या पुटद्या ही समझा दिता, बोलिया रब का की पाना इधरों पुटना तो इधर लाना, कि दुनिया दे विच जिस तरह एक पनीरी किसी भी चीज़ की है, इस तरह असी दुनिया च जकड़े पाए हैं संघने, जिस तरह पनीरी का एक तीला पुट के बाहर ला दो वो कई बन जाते, इस तरह असी जगड़े पे हाँ। बोलिया रब का की पाना इधरों पुटना तो इधर लाना, कि रब वालों दुनिया वालों मन पुटना है तो रब की तरफ लगाना है, ये रब का पन है। फकीर ने दिन रात मेहनत की, इस दुनिया तो ब्राह्म होए और परमात्मा नाल प्यार पा लिया, उस मालक नूं हासिल कर लिया। हाँ जी, गुरु मिले जब तुन का पे दी सेख बेरा तार आई सुरत शब्द की होए कमाई तब मन कोश ठहराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सुरत शब्द की ये जद कमाई करेगा फिर कुछ ना कुछ मन ठहरेगा, जदों सुरत शब्द की कमाई नहीं करता तो मन नहीं ठहरेगा। गल्लां बातां दा मजमून नहीं, एक कमाई दा मजमून। हाँ जी, सुरत शब्द की होए कमाई तब मन कोश ठहराई हिरस हवस से हाथ ना आया वे तन मना दे चढ़ाई। उस परमात्मा दे पान वास्ते संत सानू तरीके दस रहे है कि भाई इस हवास से कुछ फायदा नहीं, तुसी अपने तन मन नू चढ़ा दो, अपनी शक्ति नू मुका दो, खत्म कर दो। जिस तरह राजे जनक ने अष्टावक्र नू सब कुछ दे देता सी, अष्टावक्र ने जदों राजे जनक नू कहा कि तैनू पता है कि मुरशद धारण दा की दर्शना हुंदी है, की सेवा हुंदी है, जी मैनू कोई पता नहीं, तन मन धन दी कुरबानी दी, तां उस वक्त राजे ने मन लिया। इस तरह गुरु साहब जी फरमाते हैं कि अपने तन मन की परवाह ना रखो, तो वो हवाले मुरशद कर दो, जमावारी बन जाए, तुसी नरोल होके भजन करो। स्वामी जी महाराज एक शब्द जी फरमाया भी है, तुमरी चिंता आम मन धारी, ऐ पुरुष मैं तेरी चिंता मैं अपने मन च पा ली है, मैं चुक ली है, तू निचिंत होके भजन कर, तेरे दुख सुख का मैं ही जमावार। पर असी ये चीज छड़दे नहीं, असी आप ही जमावार बनते हैं, असी जमावारी किसी नूं देंदे नहीं। हाँ जी,
हिरस हवस से हाथ ना आयावे, तन मना देओ चढ़ाई, बोल हवसी और कपटी जान को, नेक ना तोन पात आई। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि गल्लां बातां करन वाले नूं ओ तुण नहीं मिल सकती, उस तुण दे व्यासी नहीं बन सकते, ओ कमाई दा मजबून है। ज्यों ज्यों शब्द दी कमाई करेगा उस तुण दे नजदीक जाना शुरू हो जाए। हाँ जी, भोल हवशी और कपटी जान को, नेक ना तोन पात आई, ये तोन है तोर लोका अदर की, कोई पकड़े संतोष पाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे है कि ये तुण जड़ी है भाई, ये बनौटी नहीं है, ये सचखंड विचों आ रही है। और पकड़े कोई संत छपाई, छपाई का एक इशारा देता है गुरु साहब ने कि छपाई हमेशा ही अपने समान नो तैयार रखता है और हमेशा वास्ते ही होशियार रहता है कि पता नहीं किस वक्त मेरी तब्दीली ते किधर मैं जाना है। इसे तरह संत महापुरख जेड़े हमेशा वास्ते ही तैयार रहते हैं, होशियार रहते हैं और शब्द की कमाई करते रहते हैं। पकड़े कोई संत छपाई, छपाई की मिसाल दी है कि छपाई हमेशा वास्ते तैयार रहता है। हाँ जी, ये तुन है तुर लोक अदर की, कोई पकड़े संत छपाही, मन को मारे करे असवारी, गगन कोट वैले कराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है ये मन नू मार के मन ते सवारी करे और साड़ी रूह फिर अंदर जाएगी। इस मन ने साडे अंदर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कीती है जिहड़ी साडी सुरत अंदर नहीं जांदी। जदों ये दुश्मन काबू आ जाएगा साडी सुरत याद हो जाएगी। हाँ जी, मन को मारे करे असवारी, गगन को नावेले आई, सोन पर मदाना महा सोन नाका परमाना।